जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गांगुली रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले निकल के आया है। कुछ कारणवश हम वीडियो को थोड़ा लेट बना पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसको अप्लाई कब करना है। इसकी अप्लाई डेट 8 नवम्बर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर एज की बात कर लें तो 18 से 22 साल के छात्र इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिनकी एज 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें अगर पोस्ट की बात कर लें तो जीडी के लिए 87 पोस्ट यूआर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ओबीसी के लिए 48, और एसटी के लिए 32, और एसटी के लिए 35, और इसमें टोटल पोस्ट 225 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें डीवी की बात करें तो इसमें यूआर के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और ओबीसी के लिए 10, और एसटी के लिए 6, और एससी के लिए 3, इसमें टोटल 40 पोस्टें निकाली गई हैं। और इसमें अगर यांत्रिक की बात कर लें, मतलब इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। तो इसमें यांत्रिक में मैकेनिकल में बात करें तो यूआर के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और ओबीसी के लिए 7, और एससी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकाली है, और एससी के लिए 3, इसमें टोटल 16 पोस्टें निकाली गई हैं। और इसमें इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, और ओबीसी के लिए 3, और एससी के लिए 3, और एसटी के लिए 1, इसमें टोटल 10 पोस्ट निकाली गई हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 यूआर के लिए, 0 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 2, और एसटी के लिए 1, और एससी के लिए 2, इसमें टोटल 9 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे जीडी के लिए 10+2 फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और इसमें अगर डीवी की बात करें तो इसमें हाई स्कूल से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें यांत्रिक की अगर बात करें तो आपके पास 3 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसमें स्टेज वन की बात कर लें तो इसमें स्टेज वन में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, और स्टेज टू में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में आपको दौड़ना है, और इसमें 20 स्क्वाट अप्स लगाना है, मतलब 20 आपको उठक बैठक लगाने हैं। और इसमें अगर पुशअप की बात करें तो आपको 10 पुशअप लगाने हैं। और अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी ये वेबसाइट है joinindiancoastguardcds.in, CDEPT पे आप जाकर इसको आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।